Assalamu alaikum, I'm Sami Khan. Please download the Hum TV app and watch the dramas on the go as you wish. Tera ishq hai zah-e-naseeb. Main to ye keh raha tha ki Gohar ki padhai khatam hone ko. Meri baat kab chalayegi na? जब मर्द को कम्प्लीटली औरत की मलकियत मिल जाती है ना, तो उसे हाकिम बनते हुए देर नहीं लगती है बस। फिर वो कभी इमोशनल ब्लैकमेल करके अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, या फिर धमकियां देके अपनी हाकिमियत का एहसास दिलाता है। मैं अभी तुम्हारे घर की गली में आ रहा हूँ, वहाँ आकर खास वाला हॉर्न बजाऊंगा। तुम फौरन बैल्कनी पर आ जाना, दो लम्हे तुम्हें देखूंगा और फिर चला जाऊंगा। खुद ही गिर के मर गए, डरपोक कहीं की? डरपोक लोगों को मरी जाना चाहिए। याद है समीना की बेटी की तलाक के वक्त इन्होंने क्या कहा था? यही के शोहर तो शोहर होते हैं, हालात तो बीवियों को संभालने पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। आदाब अर्ज है। वालेकुम सलाम फूफो। अरे कैसी हो बेटा? ठीक हूँ। ओ भाईजान कहाँ है, नजर नहीं आ रहे? अंदर। अच्छा अंदर है भाईजान। ओहो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हो भाई? कैसे हो जाएंगे मामूजान? बाबू क्या हाल है? बैठे हैं ना, बैठो। आप भी आए ना भाई? हाँ बैठो। और सब ठीक ठाक खैरियत? अल्लाह का शुक्र है। आजा अम्मा चलता हूँ। अच्छा बेटा। अरे जागीर बेटा बैठो ना, अभी चाय वाय पी के जाना ना है। ओह मामा काम है ना? मामा मैं आता हूँ। सलाम मामी। अच्छा अम्मा। अच्छा बेटा अल्लाह के हवाले। किधर हो? मैं पहुंच गई हूँ। क्या तुम अब तक निकली नहीं हो? क्यों? जानती हो ना कितनी मुश्किल से मनाया मैंने उनको ट्रीट के लिए। अब तुम जल्दी से आओ। भाईजान बहुत दिनों से मैं आपके यहाँ आने का सोच रही थी, मगर क्या करूँ, घर से बाहर तो मेरा कदम ही नहीं निकल रहा था। फिर मैंने जहांगीर से बोला मुझे भाईजान के घर ले चल, बड़ी मुश्किल से लेकर आया। बहुत उदास हो गई थी मैं आपके लिए। चलो अच्छा हुआ आ गई ना। अभी कुछ दिन पहले तो जहांगीर के अब्बा के साथ तुमने चक्कर लगाया था ना, तो यूं अचानक? नहीं मेरा मतलब है सब खैर तो है ना, खैरियत है ना? देख लिया क्या सलूक करती है मेरे साथ ये। अरे मेरे भाई का घर है, मैं एक बार नहीं 100 बार आऊंगी, किसी को कोई एतराज है? बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी आज मैं किसी खास मकसद के तहत आई हूँ। अच्छा। बस मैं बोलूंगी ना तो इनकार कोई नहीं करेगा, मैं इनकार नहीं सुनूंगी। हाँ अरे बोले तो सही, क्या बात क्या है? भाईजान मैं ये सोच रही थी कि बुशरा की रुखसती के साथ ही क्यों ना मैं गौहर को अपनी बेटी बना लूं, हैं? आप दोनों को कोई एतराज तो नहीं है ना? वो भाईजान इधर देखिए ना, आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं है ना? नहीं है ना? नहीं नहीं। हाय अल्लाह शुक्र है या अल्लाह तेरा। पप्पो आप इत्मीनान से बैठे, मैं अभी आपके लिए ना गर्मा गर्म चाय बना के लाई। अरे मेरी बात तो सुन ले, तू ही तो है इस घर में जो चाय पानी का पूछ लेती है, बाकी तो कोई चाय पानी भी नहीं पूछता इस घर में। मुझे ऐसे करना कि चाय के साथ ना गरम गरम समोसे पकौड़े भी ले आना। अरे निगोड़ मारा जहांगीर ऐसे ही मुझे ले आया, नाश्ता भी नहीं करने दिया उसने, सब भूख लगी है। और हाँ वो नमक पारे और वो होती है ना निमको दाल सेवियाँ, वो भी चाय के साथ ले आना, बहुत मजा करती है। जा सब मंगाऊंगी आपके लिए, सब मंगाऊंगी। बस मैं यूं गई और यूं आई पप्पो, हाँ बस बैठी रहे। अच्छा हाय कितने खुशकिस्मत हैं आप लोग, इतने खिदमत गुजार आपको बहू मिली है। भाई जन्नत कमा रही है, ये खिदमत कर रही है बहुत आपकी। जी 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 जी। हाँ Thank you.
नहीं बसा। अच्छा वो मैंने तुमसे कहा था ना कि शादी के बाद मैं अपनी जॉब जारी रखूंगी और तुम मान भी गए थे। पर मैं अब्बा के ऊपर बहुत कर्जा है और मेरी सपोर्ट के बगैर वो कर्जा उतर नहीं पाएगा, इसलिए। कर्जा उतारना तुम्हारा काम थोड़ी है, तुम्हारा भाई है ये, उनको बोलो तुमने का ठेका लिया है, अम्मा अब्बा नहीं मानेंगे। गौहर के अब्बा। हाँ। मैंने कहा क्या करेंगे अब, तुम्हारी बहन जो आके बम फोड़ के चली गई है हमारे सर पे, मेरे तो दिमाग की चूल्हे हिला दी उन्होंने। अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो, बस मेरा शेरी मजमुआ मुकम्मल होने दो, इधर छपेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ खाक ठीक हो जाएगा, तुमने ढंग की नौकरी कर ली होती ना तो आज तुम्हारी बहन यूं हमारे ही घर में खड़े होके हमें धमकियां ना देके जाती कि बेटी का रिश्ता अगर ना दिया तो उनका शौहर कर्जा वापस ले लेगा। देखा नहीं था कैसे हाथ हिला हिला के धमकियां दे रही थी, जानती है हमारे हालात अच्छे तरीके से, फिर भी पता है कि कर्जा वापस नहीं कर सकते, बेटी की शादी सर पे खड़ी है इसी बात का फायदा उठा रही है। और हाँ उनका वो सूद वो तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। अच्छा सुनो। क्या है? अरे सुनो ना, एक जरूरी मशवरा करना है। बोलो। मैं दूसरी शादी ना कर लूं, शायद हालात बदल जाए। हाँ किचन में टंगा हुआ बद तो तुमसे बदला नहीं जाता, हालात जरूर बदल जाएंगे वो भी दूसरी शादी करके। भाई तौबा है इन मर्दों से भी, नौकरी नहीं करेंगे, हालात देखो क्या है, हालात बदलने के लिए भी दूसरी शादी करेंगे और वो भी इस उम्र में, बहाना चाहिए दूसरी शादी का। अच्छा चाय तो पिला दो। कोई चाय वाय नहीं है, इंतजार करो खाना पक रहा है। ओहो मेरे मुंह से भी गलत वक्त पे सही बात निकल गई। वालेकुम अस्सलाम। सलामुलेकुम। जहांगीर। हाँ मंगेतर। हाँ मैं भी मंगेतर। अरे नहीं काशिफ, मेरे कॉलेज में पढ़ते हैं। काशिफ। आशिफ। कामरान। ये बुशरा मेरी मंगेतर, मैं जानता हूँ। जानते हैं? बैठे प्लीज। हाँ प्लीज बैठिए बैठिए। थैंक यू थैंक यू। खाएंगे? अरे नहीं नहीं आप प्लीज खाइए। थैंक यू। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? ठीक। काशी मैं असाइनमेंट डिस्कस करना था ना। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो मैं आया हूँ। हाँ अच्छा क्या जल्दी आ गए, तो फिर क्या करें, यही डिस्कस कर ले तो खाना बना। हाँ कर लो कर लो। असल में मुझे भी इनकी तरह हेल्प करवानी है तो मैं भी खा कर लो इफ यू डोंट माइंड। थैंक यू थैंक यू। देख लिया मैं खुद ही, तू साफ इनकार नहीं किया तो साफ हाँ भी नहीं की मामू मामी ने। अरे बेटा तू फिक्र क्यों करता है, पहली बार जाने से तो सारे मसले हल थोड़ी ना होते हैं। अरे मुन्ने की माँ। कहाँ है तुम्हारा लाडला, अगर उसके सर से इसका भूत उतर गया हो ना तो उसे कहना दुकान आना शुरू कर दे, बहुत सारी जगहों से वसूली करनी है, मैं अकेला क्या कुछ करता फिरूं? अच्छा अच्छा भेज दूंगी। सच पूछो तो तुम्हारे भाई से इतनी जल्दी वसूली की उम्मीद नहीं है मुझे, क्या समझी? ऊपर से तुमने इस नवाब के रिश्ते की बात वहां तय कर दी, रिश्ते की आड़ में कहीं वो मेरी रकम ही ना आती आ लें, मैं तो वैसे ही 5% पे दे के पछता रहा हूं। अरे कहा ना ऐसा कुछ नहीं होगा,
मैंने बहुत सोच समझ के मौका महल देखकर बात की है। अब तुम देखते जाना जहांगीर के अब्बा कि मैं करती क्या हूं। कब से चल रहा है सब कुछ? मुझे तो इसने कुछ बताया नहीं। इसने आपको कुछ नहीं बताया? सब मुझे तो इसने आंखों के बारे में सब कुछ बता दिया है। घर की सारी खबरें होती है मेरे पास। अच्छा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरी तीन बहनें हैं, एक बड़ी है, दो छोटी हैं। अच्छा, अम्मी हैं और अब्बू का कुछ अरसा पहले इंतकाल हो गया था। जाहिर है तीनों बहनों की जिम्मेदारी मुझे ही निभानी है। हाँ जाहिर है, तुम भाई हो उनके, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ना हो कि उनकी जिम्मेदारी निभाते निभाते ये बूढ़ी हो जाए। आपको पता है मैंने गौहर से कभी कुछ नहीं छुपाया, इससे पहले दिन से ही सब कुछ मालूम है। लेकिन ये तो नहीं मानी होगी ना, जानती हूँ अच्छी तरह से मैं, पागल है बिल्कुल। पता है मसला और कुछ भी नहीं है, हमारा एक कजन है जहांगीर, बस उसका मसला है सारा। मैं एक मशवरा दूं? देखो जहां पे मंजिल में पहुंचने तक इतनी मुश्किलें हो ना, उस रास्ते पे नहीं चलना चाहिए, बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अभी इतना वक्त भी नहीं हुआ है तुम दोनों को, तो जख्म भर जाएंगे तुम लोगों के, सोच लो अभी भी। और कुछ नहीं। बिल ले आऊं? एक्सक्यूज मी सर, उनका बिल भी ले आओ। थैंक यू। अरे अब तक नहीं सोई है आप? जाप तो मुझे बताओ। सीधी बाबरची खाने में जाओ तुम दोनों, पूरे बर्तन धो के किचन साफ करके फिर अपने कमरे में जाना, उससे पहले नहीं, ये सजा है तुम दोनों की। रोज किया, हम कर लेते हैं सारा काम। बोलो ना यहाँ पर, तो मैं तुम्हारे साथ में फिर करूँ। साथ चलो, साथ चलो, चलो। थक गया। सब समझती हूँ इनके हथकंडे में। हाँ, ये बम जाके ना हमारे सर पे फोड़ेंगे। बता देती हूँ मैं सलीम, मैं ना अपने खर्चे ना अपनी बचत से एक फूटी कौड़ी भी इन्हें नहीं दूंगी। तो आहिस्ता तो बोलो, क्या पूरे मोहल्ले को सुनाना है तुमने? और कोई नहीं मांग रहा तुमसे तुम्हारा खजाना। मैं पुप्पो से खुद करता हूं बात। जब बात तय हुई थी कि किस्तों में रकम अदा करेंगे तो फिर किस्तों में ही अदा करेंगे ना। और कहां से आएंगी किस्तें? हाँ, कहां से आएंगी किस्तें? तो हर महीने बुशा की तनख्वाह से कटती है। हाँ, और उसके ससुराल वालों ने भी अब साफ साफ मना कर दिया है, बुशरा को भी अब ये नौकरी जल्द अज जल्द छोड़नी पड़ेगी। फिर कहां से करेंगे किस्तें अदा हम? हाँ, और ऊपर से सूद पे सूद चढ़ा जा रहा है। वो क्यों छोड़े बुशरा नौकरी? मजाक बनाया हुआ है इन्होंने। मैंने तो पहले ही कहा था मां बाप से मत जोड़े इनके साथ रिश्ता, अजीब कमजर्फ किस्म के लोग हैं। लेकिन मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है ना। पास करता रहता हूं मैं।
अल्लाह, फिर से इन्होंने क्या चक-चक शुरू कर दी है? चिक-चिक खत्म कब हुई थी जो नई शुरू होगी? और हमारे घर के ड्रामे का तो स्लॉट ना भाई और भाभी के पास ही है हमेशा के लिए। मैं तो कहती हूँ तुम जल्दी से अपने घर जाओ, तुम्हारी तो कम से कम जान छुटे। जी जी बिल्कुल, ऐसे जैसे मैं शादी करके किसी पैलेस में जा रही हूँ ना, ऐसा ही घर है, इसी तरह के मसले होंगे वहाँ पे। इससे मुझे तो ये डर लग रहा है कि मैं भी कहीं भाभी की तरह ना बन जाऊँ और वो लोग कहीं कितनी बड़ी ड्रामेबाज आ गई हमारे घर में। इतनी तो मुझे गारंटी है कुछ भी हो जाए तुम इतनी बड़ी ड्रामेबाज कभी भी नहीं बन सकती। इससे तुमने भी तो मेरे वाली गलती दोहराई है ना, जहाँ तुम जा रही हो वो भी ऐसी जगह है। वैसे भी खाली पेट इश्क ना बहुत बड़ी उलझन बन जाता, तीन तीन बहनें हैं वहां पे। गौहर, बुशरा, कहाँ हो तुम दोनों? खुद ही तो कहा था किचन साफ करो। तो अम्मी आपको ना उनको करारा सा जवाब देना चाहिए था, आपने क्या उनको आश्रय पर रखा अब तक? समझो हमारी मजबूरी को। अरे अम्मी, मतलब गौहर और जहांगीर का कोई जोड़ ही नहीं बनता, पप्पो को ये बात करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए था खुद भी। तुम्हारी रुखसती हमारे सर पे खड़ी है और हमारे सर पे उनके लाखों रुपयों के कर्जे का बोझ। तो क्या वो उन लाखों रुपए के बदले मुझे खरीदना आए थे? कैसी बातें कर रही हो लड़की, कभी माँ बाप ने अपनी औलाद को बेचा है? अम्मी मैं ये सब नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं सच सच बताऊँ आपको, उन्होंने हमें पैसे दे के हम पे कोई एहसान नहीं किया है, गैरों की तरह पैसे दिए और उस पर सूद ले रहे हैं वो। मेरी बात सुने ना, आप लोग जब कर्ज ले रहे थे तो अपनी मजबूरी बताई थी ना, मुद्दत भी बताई थी कितनी लगेगी वापस करने में। मजबूर की मजबूरी को समझना और ना समझना अब तुम्हारी फुप्पो के अख्तियार में। मुझे तो डर इस बात का है खुदा ना खास्ता कोई नया ड्रामा ना खड़ा कर दे तुम्हारी रुखसती से पहले। अरे तुम्हारे ससुराल वालों के सामने इज्जत का जनाजा निकल जाएगा, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे हम। अरे क्यों बच्चियों को परेशान कर रही हो? तुम लोग फिक्र ना करो, एक बार मेरा शेरी मजमुआ छप जाए तो सारा कर्जा उतार दूंगा सूद के साथ। हाँ शाब, बिल्कुल परेशान मत हो। शादी? हाँ शादी, अमूमन ये बात लड़के करते हैं, लेकिन तुम्हें तो पता है मैं थोड़ी डिफरेंट टाइप की लड़की हूँ। मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ क्या? तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की है? हाँ नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है जोया, I really like you, पर देखो बात सिर्फ इतनी है कि मैंने शादी के बारे में अभी सोचा नहीं। तो इसमें कौन सा कोई मुश्किल बात है? इतनी क्यूट, इतनी प्यारी, इतनी इंटेलिजेंट लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है, अभी सोच लो। यू नो एनीवन ओवर हियर वुड किल टू मैरी मी, बट आई ओनली वांट यू। बोलो। गुस्से में? तो पर तुम्हें कैसे पता लगा? तुम्हारी सांसें भी सुन सकता हूँ। ये बताओ हुआ क्या? कुछ नहीं यार, बस वही पप्पो की बात है। तुम्हें पता है आज वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर आ गई थी मेरे लिए। Really? इसमें हंसने की तो कोई बात नहीं है वैसे। अरे नहीं, मुझे एक और बात पे हंसी आ रही है। अरे वो 101 रुपए तो जाया हो गए जो तुमने मजार पे नजर में दिए थे। जी नहीं, कोई जाया नहीं हुआ। अरे मैंने पहले ही कहा था इतना हल्का ना लो, सिर्फ 101 रुपए कीमत लगाई, हो गया ना लोचा।
अच्छा बाबा यकीन कर लिया है, बहुत कीमती हैं आप। सही है। अच्छा अच्छा तो सुनो, अब इजी हो जाओ, अभी तो और भी बहुत से इम्तिहान बाकी हैं। अगर मुझ पर यकीन नहीं तो अपने हॉरोस्कोप पे तो यकीन कर लो। अच्छा चलो मैं आप ही के पास जा रही हूँ, किचन में, ठीक है? सुनो, ये नहीं कहते कि मैं जा रही हूं, कहते हैं मैं जाकर आती हूं। ओके, मैं जाके फिर आती हूं। हाँ ये ठीक है, और देखो 10 मिनट से ज्यादा इंतजार मत करवाना, जाकर जल्दी से वापस आओ। ओके बाय। अम्मा, ऐसे रिश्ता कोई इतना बुरा भी नहीं है, जहांगीर के अब्बा लाखों कमाते हैं हर महीने, लाखों। हाँ सूद के। पसंद करता है जहांगीर गौर को, खुश रखेगा, और क्या चाहिए तुम्हें? बस बस रहने दो बीबी, जानती हूँ मैं तुम्हारे दिल में क्या उबाल उठ रहे हैं, यही के कहीं तुम्हारे शोहर की कमाई उसकी बहन की रुखसती पे ना लग जाए। हाँ तो इसमें कौन सी कोई छुपाने वाली बात है? मेरा मियाँ सारा दिन दफ्तर में अपने दिमाग इसलिए नहीं खपाता कि जो भी कमाए सारा घर वालों पे लुटा दे। बेचारा कमजोर हो गया है ओवर टाइम कर करके। मेरी भी कुछ जरूरियात हैं, आखिर हमें अपने बारे में भी सोचना है ना अम्मा। कमबख्त, अपने ही बारे में सोचना, दूसरों का बेशक बेड़ा गर्क हो जाए। क्या हुआ, कुछ बना? क्या बनना है भाई, पता नहीं नया लोन तो शायद ना मिले, लेकिन जो घर के लिए पिछला लोन लिया था वो समझ नहीं आ रही कि रेजिग्नेशन के बाद वो कैसे उतारूंगी। अरे भाई मैं हूं ना, टेंशन लेने की क्या जरूरत है? तुम देखना मैं नौकरी करूंगी ना, पैसे लूंगी और तुम्हारा सारा का सारा हिसाब जो है ना यूं चुकता कर दूंगी। पागल वागल तो नहीं होगी तुम? तुम्हें क्या लगता है डिग्री के बगैर तुम्हें मेरी पोजीशन पे वो रख लेंगे वहां पे? अरे कल का क्या प्लान है, मैंने तो कपड़े पे निकाले, I'm so excited। क्या तुम हर वक्त फिल्मी हीरोइनों की तरह मजारों पे जाने के लिए बेताब रहती हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि अगर तुम्हें और मुझे काशिफ के साथ किसी ने वहां पे देख लिया तो कितना बड़ा बखेरा जमा हो जाएगा? अरे पागल यही तो प्लान है, तुम्हारी छोटी सी अकल है ना इसमें कुछ नहीं आने वाला। देखो तुम मैं और काशिफ हम तीनों जब जाएंगे और किसी ने हमें देख लिया तो मैं क्या कहूंगी? अरे ये इसका खुली है, मैं तो जानती ही नहीं कैसा। और अगर मुझे और उसको अकेले साथ देख लिया तो सोचो क्या होगा, फड्डा हो जाएगा फड्डा। मेरी बात सुनो, तुम्हें ये बेवकूफों वाले मशवरे देता कौन है? पता नहीं मुस्तकबिल में होने ना होने वाला जो मंगेतर है तुम्हारा, उसके साथ हर तीसरी जुमेरात पे जाओ और मन्नतें चढ़ाओ, यहाँ हमारी सीधी दुआ पूरी नहीं हो रही। तुम पागल वागल हो गई हो, अल्लाह ना करे वो ही मेरा मंगेतर। तौबा करो तौबा करो, चल रही हो ना? ठीक है, नहीं कर रही ना? ओके फाइन, मैं ज्यादा चापलूसी तो किसी की करती नहीं हूँ। मैंने तो सुना था बहनें पता नहीं कितनी हेल्प करती है दूसरी बहनों की, मत करो इधर आओ। मुझे ना हर बात पे इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है, करती हूँ मैनेजर से बात कि मुझे कल शॉर्ट लीव दे दे, पर दफ्तर में ना कोई मेरे काम से आजकल कुछ ज्यादा खुश नहीं हो रहा, मुसीबत में फंसाया हुआ तुमने मुझे। एक पप्पी दे दे ना, एक पप्पी इधर, एक पप्पी इधर, गंदी
कभी दो घड़ी माँ के पास भी बैठ जाया करो। सौतेली सही, लेकिन मैंने अपनी तमाम जिंदगी तुम्हारे लिए वक्फ कर दी तुम्हारे बाप के बाद। क्या इतना भी हक नहीं है मेरा तुम पर? ऑफिस से वापस आऊंगा तो आ जाऊंगा आपके पास। फिलहाल देर हो रही है मुझे। इधर आओ, आओ मेरे पास, आ जाओ, आओ। सुना नहीं तुमने? आओ। ये लो, संभाल लो अपनी औलाद को। या अल्लाह खैर। आज अगर वक्त पर ना पहुंचा तो पूरी कालक माली चुकी थी हमारे खानदान के नाम पर। ये क्या बकवास है, क्या हुआ क्या है? बकवास मैं तो करता ही बकवास, खुद पूछ लो कहां से पकड़ कर लाए हो इसको। कॉलेज का नाम लेकर कहां कहां जाती है वारा गर्दी करने? चोल फूल बकरे बहन के लिए, कहां से पकड़ के लाए इसे? मजार पर किसी लड़के के साथ मटक रही थी, जाने क्या इरादे थे इसके। जानती थी मैं, जानती थी ये किसी ना किसी दिन जरूर कोई गुल खिलाएगी। बुशरा प्लीज फौरन घर पहुंचे, ऐसा ना हो आपके भाई उस पर हाथ उठाए। अगर आप कहती हैं तो मैं घर आ जाता हूँ। नहीं 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 काशिफ, हमारे घर की तरफ बिल्कुल मत जाना, और अगर तुम्हें गौहर की इज्जत का जरा सा भी ख्याल है ना तो उसके लिए और मुश्किलात पैदा मत करो, खुदा के लिए। मैं आके हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा सबसे, सबको सब कुछ बता दूंगा। काशिफ, इश्क में अपने अपने हिस्से की सजा खुद ही सहनी पड़ती है, लेकिन वो लड़की है ना, इसलिए अब सारी उम्र तुम्हारे हिस्से के पत्थर भी उसी को सहने पड़ेंगे। उसके नंबर पर कॉल मत करना, मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं अपने फोन से तुम्हारी बात करवाऊंगी, ठीक है? आइए, आप ही का इंतजार था, कब से चल रहा है सब कुछ। भैया जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ दो दफा दरगाह पे गई उसके साथ और बस। सुन लिया अम्मा? क्या जरूरत पड़ी थी है? क्या मौत पड़ी थी तुम्हें उस लड़के को साथ ले जाने की, दरगाहों के चक्कर लगाने की? सगा लगता है क्या तुम्हारा वो? देखा कैसी बेशर्मी और ढिटाई के साथ अपना गुनाह इकरार करी, कोई गुंजाइश बाकी है अभी? मैंने कोई गुनाह नहीं किया भैया, वो एक अच्छे और शरीफ घराने का लड़का है, बल्कि वो तो आप सबसे मिलने आना चाहता था। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद ना हर लड़की यही कहती है, हर लड़की। जो लोग घर के बाहर इश्क लड़ाते हैं ना, वो घरों में पैर नहीं डालते। गोगो झूठ नहीं बोल रही है, सच कह रही है वो, मैं मिली हूं उस लड़के से। हाँ, सारा का सारा खानदान मुलव्वस है। बुशरा, बुशरा, मुझे तुमसे कदई उम्मीद नहीं थी। बाबा आप ही का कोई कसूर नहीं है, मैंने जिद की थी इनको मिलवाने की। तुम दोनों बहनें अपना ड्रामा बंद करो, ज़किया फोन लो इसका, और आज से इसका घर से बाहर निकला बंद। शर्म नहीं आई तुम्हें ना? रुस्ती सर पे और आंख मटक कराती फिर रही अपनी बहन को,
फोन दो। इतना फालतू टाइम था ना तुम्हारे पास, ऑफिस के बाद कोई और घर ढूंढ ले अपनी बहन को। भाई क्या भाई, तुम ना कुछ और दिन संभल कर रहो, रुखसत हो और जान छोड़ो हमारी। काम करूं या इन दोनों की निगरानी करता रहूं हर वक्त? और चढ़ाओ सर पर इन लड़कियों को। ग्रुप वाले आ गए। ओके ठीक है, आप उन्हें मीटिंग रूम में बिठाएं, मैं आता हूं। यस सर। क्या कहा तुमने? तुम्हारी मंगनी मैं जोया से कर दूं? इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। ये लड़की जोया कब से तुम्हारे हवासों पे छा गई है? इससे पहले तो तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं आई। हाँ नहीं आती थी, नहीं आती थी इससे पहले कोई लड़की पसंद। लेकिन कभी ना कभी तो ये फैसला लेना है मामा। तो फिर जोया क्यों नहीं? वो मुझे वक्त देना चाहती है मुझे समझने के लिए। हम दोनों एक दूसरे को समझना चाहते हैं। हैव यू गॉन मैड? जानते हो क्या कह रहे हो? मंगनी और शादी का मतलब समझते हो? 24 घंटे का साथ। तुम किसी लड़की को 24 घंटे का साथ दे सकते हो क्या? और वो भी ऐसी लड़की जिसको तुम्हारे बेडरूम तक एक्सेस हो? मदर आई वॉन्ट टू गिव दिस अ ट्राई, आई लाइक दिस गर्ल, शी मेक्स मी हैप्पी। जब मैं उसके साथ होता हूं तो मैं अपने आप को एक जिंदा इंसान महसूस करता हूं। डोंट बी एन इमोशनल फूल। जानते हो तुम क्या कह रहे हो? 20 साल से मैं तुम्हारा एक राज गार्ड कर रही हूं। मुझसे बढ़कर इस चीज को कौन समझ पाएगा? नो मदर, नो, आई विल नॉट लिसन टू यू। हो सकता है जोया वो लड़की हो जिसे कुदरत ने भेजा मुझे बदलने के लिए। सो आई एम सॉरी, आई विल नॉट लिसन टू यू दिस टाइम। मैं इस लड़की से करूंगा शादी, Because I love her. And that's it. Sameer, ruko! Zahe Naseeb
तो कर ली तुमने मंगनी, कर ली तुमने अपनी मनमानी। अब तुम वो करोगे जो मैं कहूं। अच्छा, और वो क्या है? मार दो। क्या? हाँ मेरा है जिहा, मार दो ना। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मुझसे छीनने की? उसे मर जाना चाहिए। मैं उसे मंगनी तोड़ देता हूं, लेकिन मारती नहीं है बेचारी को, बहुत बहुत मासूम है। कितनी मासूम है? काफी मासूम है। चलो ठीक है, एक काम करते हैं। अगर वो तुम्हें काफी मासूम लगती है तो उसे मैं मार दूंगी। मैं उसे मिलना छोड़ देता, बात खत्म। गुड, वेरी गुड। लेकिन अगर वो तुमसे यहां मिलने के लिए आई तो? तेरा इश्क है जहर नसीब।